वेल, उमर रियाज का पहला गाना, पहला रैप आज हुआ रिलीज, मेरा सफर, यानी उनके बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ उनका हिंदी में उसका मतलब होता है कि उनका जर्नी कैसा रहा, लेकिन इंग्लिश में होता है सफरिंग, सफर यानी कि क्या कुछ चीज़ें उन्होंने झेली, इस ऐसे तरीके से उन्होंने लाइफ में एक्सप्लेन भी किया था उनके टाइटल का नाम, और साथ ही साथ अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे आज लाइव में इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे उन्होंने हेटर्स को भी एक जवाब दिया है, और तेजा के फैंस को उन्होंने हेटर्स का नाम आखिर क्यों दिया, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, अगर आपने वो म्यूज़िक वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता है कि वो तेजा के बारे में एक चीज़ बोलते हैं एंड में, कि विनर भले ही यू नो तुम बन गए, लेकिन आखिर दिल किसने जीता, इस तरह से जो एंडिंग की लाइन थी वो ये थी, और इस वजह से तेजा के कई सारे फैंस, तेजा के ट्रूप्स जो है इससे नाराज़ थे, और इसलिए लाइव में आकर उमर से जवाब मांग रहे थे कि आखिर आपने तेजा के बारे में ऐसा क्यों लिखा, और आप क्यों तेजा के बारे में इतने नेगेटिव बोल रहे हैं, ना कुछ अच्छा बोल लेते, अगर कुछ नहीं बोलना होता तो बुरा भी नहीं बोलते, क्यों बोला आपने ऐसा बुरा, हमें जवाब चाहिए करके। तो उसके ऊपर उमर जो है, उमर तेजा का भी नाम नहीं लेते वहाँ पे, ना ही उनके किसी फैंस का नाम लेते हैं, या किसी ने क्या वहाँ पे कमेंट किया है, कुछ भी नहीं बोलते, बस इतना ही बोलते हैं कि अच्छा तो कुछ हेटर्स भी आए हैं इस लाइव में, कोई बात नहीं, आज लगता है इनका दिन काफ़ी बुरा है, दिन अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आके ऐसे सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कोई नहीं छोड़ो जाने देते। तो इस तरीके से उन्होंने तेजा के फैंस को हेटर का नाम दे दिया, और उन्हें बिना एक्नॉलेज किए बस ये कह दिया कि लगता है आज इनका दिन बुरा है, और इसीलिए आज ये सारी जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, इसके ऊपर आपको क्या है कहना नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, जिस तरीके से तेजा के फैंस को हेटर्स बुलाया है उमर ने, क्या वो सारे फैंस को बोल रहे थे, या फिर वही लोगों को बोल रहे थे, या फिर यू नो इनडायरेक्टली अगेन वो डिग तेजा के और तेजा के फैंस के ऊपर लेना चाह रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।